हेलो स्टूडेंट्स, एपी का एक्सरसाइज 5.3 कंटिन्यू करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का 8 पार्ट है, इम्पोर्टेंट है भी। तो इसमें ए एन दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है, हमको एन और ए फाइंड करने का है। तो स्टार्टिंग से लेते हैं। ए एन क्या फॉर्मूला होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। एन टर्म का ही फॉर्मूला होता है। तो दिस इंप्लाइज दैट वैल्यू पुट अप करें अगर हम, तो 4 इज इक्वल टू ए नहीं गिवन है प्लस एन माइनस वन और डी, डी कितना गिवन है हमको, 2 गिवन है। तो दिस इंप्लाइज दैट 4 इज इक्वल टू ए प्लस 2 एन माइनस 2, ठीक है। तो ए की वैल्यू निकाल लेते हैं यहां पर, 4 माइनस 2 एन प्लस 2 इज इक्वल टू ए, दिस इंप्लाइज दैट, है ना। इन दोनों टर्म्स को एलएचएस ले आए हम, अब कितना हो जाएगा, ये दोनों को ऐड कर देंगे, 4 में 2 ऐड हो जाएगा 6, ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 माइनस 2n, इक्वेशन 1 आ गया हमारा, ठीक है। इसी तरह से ही फिर sn का यूज करते हैं, इक्वेशन 2 बनाते हैं। sn का क्या फॉर्मूला होता है, sn इज इक्वल टू n अपॉन 2, sn मींस सम ऑफ n टर्म्स, ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन डी, ये रहता है। तो दिस इंप्लाइज दैट एस एन माइनस 14 गिवन है इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a, ए की जगह ए की वैल्यू रख दीजिए, क्या है ए की वैल्यू हमारी, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2n ये रख दिया यहां पर, ठीक है, इस a की जगह पर रख दिया। फिर प्लस एन माइनस वन, व्हाट इज डी, डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू है हमारी 2, ठीक है। ये कहां से रखा है हमने वैल्यू, यहां पर फ्रॉम इक्वेशन 1, ये मेंशन कर सकते हैं यहां पर। तो क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट ये 2 एलएचएस में, जो आरएचएस में जो है इसको एलएचएस ले आए, तो क्या आ जाएगा, माइनस 14 इंटू 2 इज इक्वल टू एन ब्रैकेट, ओपन करेंगे वाला ब्रैकेट, तो कितना हो जाएगा, 12 माइनस 4n, ठीक है, प्लस यहां कितना हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई होगी तो 2n माइनस 2, ठीक है, ये आ जाने वाला है। दिस इंप्लाइज दैट यहां कितना हो गया, माइनस 28 इज इक्वल टू, यहां पर क्या आने वाला है, n ब्रैकेट 12 में से 2 माइनस हो गया तो कितना बचा, 10 बचा, और यहां पर क्या बचा, माइनस 4n है, प्लस का 2n है, तो क्या बचेगा, माइनस का 2n बचने वाला है, ठीक है। तो ये टर्म्स आ गई हैं यहां पर हमारी, आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो ये ब्रैकेट और ओपन कर देते हैं यहां से, क्या है हमारे पास में, दिस इंप्लाइज दैट माइनस 28 ये प्रेजेंट है इज इक्वल टू क्या है, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा हमारा 10n माइनस 2n स्क्वायर, राइट, ये रहने वाला है। तो ठीक है, इन दोनों टर्म्स को एलएचएस ले आए, क्या होगा, 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28 इज इक्वल टू 0, पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो जाएगी, तो डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0, पूरे को 2 से डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाय 2, ओके। तो ये क्वेश्चन ये आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, देखो मिडिल टर्म स्प्लिट करके कर सकते हैं तो इजिली हो जाएगा, अदरवाइज आप दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था उससे कर सकते हैं। 14 के फैक्टर करने हैं जिसे माइनस करने पर 5 आए, तो 7 टू टाइम्स हो जाएगा, सिंपल है। तो एन स्क्वायर माइनस 7 माइनस 2 एन माइनस 14 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट एन स्क्वायर माइनस 7 एन प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 एन माइनस 14 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट ये पहले टर्म से क्या कॉमन आएगा, एन कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा, एन माइनस 7, फिर प्लस यहां से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, एन माइनस 7,
क्या कॉमन आ रहा है पूरे में से, एन माइनस सेवन कॉमन आ रहा है, तो एन माइनस सेवन लिया कॉमन, क्या बचा, ये दोनों बच गए, एन प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। अब एक एक करके दोनों को जीरो रख के आप आंसर निकाल सकते हैं, बिकॉज एन माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज दैट एन इज इक्वल टू कितना जाएगा, सेवन, एन सेवन आ गया एक वैल्यू, तो यही पॉसिबल होगा। दूसरा क्या है यहां पर, दूसरा वैल्यू ये है, तो एन प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज दैट एन इज इक्वल टू माइनस टू, ये आया, ये क्या है, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, क्यों, बिकॉज इट इज नेगेटिव इंटीजर, नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, ओके, तो इट इज नॉट पॉसिबल, सो एन इज इक्वल टू सेवन, पुट वैल्यू ऑफ एन इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में पुट अप कर देते हैं, इन इक्वेशन वन, वन में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू सिक्स माइनस टू एन इज इक्वल टू क्या जाएगा, सिक्स माइनस टू इंटू एन इज व्हाट, सेवन, यानी कि फोर्टीन हो जाएगा, ये सिक्स माइनस फोर्टीन, दिस इंप्लाइज दैट ए कितना आ गया हमारे पास में, माइनस एट, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो इस तरह से करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ए इज इक्वल टू आ गया है माइनस का एट, ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन को हमको सॉल्व करने का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर फोर है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, एपी गिवन है 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव द सम 636, तो 636 सम लेके आने का है हमको, ओके, तो क्या क्या गिवन है हमको, ए इज इक्वल टू कितना गिवन है, 9, टी इज इक्वल टू कितना गिवन है, 17 माइनस 9, ए टू माइनस ए वन इज इक्वल टू कितना आएगा, 8, ठीक है, ये गिवन है हमको, और सम गिवन है एस एन 636, तो फॉर्मूला क्या है हमारा एस एन का, सम ऑफ एन टर्म्स का, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन डी, दिस इंप्लाइज दैट एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू, व्हाट इज एन, फाइंड करना है टू इंटू ए, अच्छा एस एन की वैल्यू भी रख सकते हैं हम, एस एन तो 636 है ना, 2a, a कितना है हमारा 9 प्लस n माइनस 1, व्हाट इज d, d इज 8, ये 2 को LHS ले आइए, तो कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे यहां पर, 1272 आ गया ही इज इक्वल टू, यहां पर क्या आ जाएगा, एन ब्रैकेट में 18 प्लस 8 एन माइनस 8, तो यहां से जो हमारे पास में इक्वेशन बनाने का है 1272 इज इक्वल टू, यहां 18 में से 8 माइनस हो गया तो क्या बचा, 10 बचा प्लस 8 एन, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो 1272 इज इक्वल टू क्या आएगा, 10n प्लस 8n स्क्वायर, ठीक है, n की मल्टीप्लाई हो गई दोनों में, अब इक्वेशन इसको LHS से RHS भेज देते हैं, 1272 को, तो इक्वेशन बन जाएगी क्या आ जाने वाला है, 8n स्क्वायर प्लस 10n, इन दोनों के साइन चेंज नहीं हुए, इसको तो ऐसे रखा, केवल 1272 को RHS भेजा और रीअरेंज करके लिखा यहां पर, तो माइनस 1272 इज इक्वल टू जीरो, पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है तो डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा हमारा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस, इसको डिवाइड करो 2 से तो 636 आएगा, है ना, 2 से मल्टीप्लाई किया था तो जो था हाफ हो गया उसका, इज इक्वल टू जीरो, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखिए जैसा मैंने ऑलरेडी बताया था, अब छोटी टर्म्स होती हैं यहाँ पर, नंबर छोटे होते हैं तो हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जैसे लॉन्ग टर्म्स है तो बहुत इजी है, आप इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसमें यूज करें और इजीली इसको सॉल्व करें, तो इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। अब इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है तो मैंने ऑलरेडी बताया था, उसमें ए बी सी फैक्टर्स लिखने पड़ते हैं हमको,
तो क्या करते हैं ना, स्मॉल लेटर में ना लिखे कैपिटल लेटर में लिख लेते हैं, जिससे डिफरेंस ना हो ना, ए यहां पर भी यूज हो रहा है ऑलरेडी और ए उधर भी रहेगा, तो हम क्या करेंगे उसके लिए कैपिटल्स में यूज करेंगे। तो एन स्क्वायर या एक्स स्क्वायर का जो मल्टीपल होता है वो ए होता है, तो ए कितना है हमारा 4 है, तो कैपिटल ए लिख लिया, कैपिटल ए इज इक्वल टू 4, फिर कैपिटल बी इज इक्वल टू 5, कॉफिशियंट ऑफ एन या कॉफिशियंट ऑफ एक्स, फिर कॉन्स्टेंट टर्म जो होती है वो सी होती है, तो -636, सी क्या है -636। अब यहां पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए मैंने बताया था सबसे पहले क्या निकालना है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac टर्म फाइंड करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं इसको, तो ये डिस्क्रिमिनेंट होता है, डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या हो गया 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, ए कितना है 4 है, इंटू सी कितना है -636, ठीक है। तो ये रहने वाला है हमारे पास में, तो क्या आने वाला है हमारे पास में बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 25 प्लस, इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 टाइम्स 16 होगा, साइन तो प्लस का हो जाएगा यहां पर, अब 16 की 636 में मल्टीप्लाई करें तो उसे क्या आने वाला है, उसे 10176 आने वाला है, ठीक है आप करके देख सकते हैं इसको। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 10201, ठीक है इन दोनों को ऐड कर दिया, 76 में 25 ऐड कर दिए तो आगे क्या 101 हो जाएगा, तो 201 हो गया टोटल फाइनल जो है। अब इसका अंडर रूट तो पता होगा, 10201 किसका स्क्वायर होता है, 101 का स्क्वायर होता है, ये अंडर रूट, इस टर्म का अंडर रूट निकलेगा तभी आगे सॉल्व होने वाला है, यहाँ अंडर रूट में आंसर आएगा अदरवाइज, ठीक है। तो ये आ चुका है हमारे पास में पॉइंट, अब कैसे निकालना है, एन इज इक्वल टू या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में एक्स होता है, यहाँ एन है तो क्योंकि हमें एन फाइंड करना है, इक्वेशन में एन है तो एन लिखेंगे, यहाँ पर एक्स होता तो एक्स लिखते, पी होता तो यहाँ पी लिखते, क्या होता है माइनस बी, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख रहे हैं, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो क्या आएगा, दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस बी, कितना है बी -5, प्लस माइनस अंडर रूट ये कितना है 10201 अपॉन 2 इंटू व्हाट इज a 4, a 4 है हमारा, तो क्या आ गया ये -5 प्लस माइनस 101, इसका अंडर रूट होता है 101 अपॉन 8, क्या आएगा दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू, एक बार प्लस में ले लेते हैं एक बार माइनस में ले लेते हैं वैल्यू को, तो बिकॉज करके ले लेते हैं, बिकॉज पहले हम प्लस में ले लेते हैं, तो -5 प्लस 101 अपॉन 8 इज इक्वल टू क्या है यहां से 96 अपॉन 8, कितना जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है तो यहाँ क्या आ गया एन इज इक्वल टू आ गया है 12। तो दूसरा केस में बात करते हैं हम, तो क्या है बिकॉज एन इज इक्वल टू -5, अब की बार माइनस वाला रखेंगे -101 अपॉन 8, तो -106 अपॉन 8, ये क्या आएगा माइनस का 53 अपॉन 4, ठीक है ये क्या आएगा नॉट पॉसिबल, व्हाई नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज अ फ्रैक्शन एंड ऑल्सो अ नेगेटिव, ठीक है तो इट इज नेगेटिव फ्रैक्शन सो इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसे लिख सकते हैं इट इज नेगेटिव फ्रैक्शन सो नॉट पॉसिबल, सो आंसर इज 12। तो हमारे क्या गए कितने नंबर ऑफ हाउ मेनी टर्म्स टेकन, तो सो 12 टर्म्स आर टेकन सो दैट देयर सम विल बी व्हाट इज 636, ठीक है। तो इस तरह से करके क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने का है, जैसे अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, 6, 7, 8 आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हमने पीछे लास्ट क्वेश्चन में पैटर्न यूज किया उन्हीं को पैटर्न को यूज करके आप नेक्स्ट 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।